नाश्ता जितना जल्दी और झटपट तैयार होता है उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट और न्यूट्रिशियस होता है और बनाने में उतना ही आसान और झटपट बन जाता है। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ में कटे हुए प्याज, साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें और 2 मीडियम साइज़ में कटे हुए टमाटर। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पे दही भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहे तो हरी मिर्चें भी कम या ज़्यादा अपने स्वादानुसार कर सकते हैं। साथ ही मैंने लिया है 1 कटोरी सूजी, मैंने 1 बड़ा चम्मच चने और उड़द की दाल लिया है जिसे मैंने धोया नहीं है और पोंछ लिया है, और साथ ही मैंने लिया है राई, जीरा और कड़ी पत्ता जो कि मैं इसमें रखना भूल गई हूँ दोस्तों। इसके लिए हमें 2 से 3 बड़े चम्मच तेल चाहिए होगा, जिसमें से 2 टीस्पून तेल हम पहले कढ़ाई में डालेंगे और उसके बाद जो हमारी सूजी है उसे हम अच्छे से इसमें डाल के भून लेंगे। मैंने मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो थोड़ी बारीक सूजी होती है उसका भी कर सकते हैं, पर इस सूजी का उपमा बहुत टेस्टी बनता है तो इसी सूजी से आप बनाएं तो बेहतर है। सूजी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हम इसे थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनेंगे ये दाने, ताकि और खिल के हो जाए। तब तक हम पानी चढ़ा लेंगे, इसमें हम बॉइल्ड ही वाटर डालेंगे। अब मैंने भुना हुआ सूजी साइड में निकाल के रख लिया है और कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल गरम करके उसमें चने और उड़द की दाल डाल लिया है और साथ में राई और जीरा तड़कने के लिए छोड़ दिया है। और फ्रेंड्स, दालों को आप धोए नहीं, सिर्फ सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ ले। इसके बाद जैसे ही जीरा और राई चटक गया, मैंने कड़ी पत्ता और हरी मिर्चें इसमें डाल दिया और उसे अच्छे से स्टर कर लिया है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कटे हुए प्याज और इसे भी हम अच्छे से ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें प्याज बस ट्रांसपेरेंट करना है और ऐसे ही उपमे में अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो उपमे में बहुत सारे वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल ही खाना पसंद करती हूँ। और जब हमारे प्याज ट्रांसपेरेंट हो गए तो अब इसमें मैंने डाल दिया है टमाटर। मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, इसका खट्टापन हमारे लिए काफ़ी है। अगर आप चाहे तो इसमें दही भी डाल सकते हैं या टमाटर की मात्रा बढ़ा सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें नमक गेर दिया है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और अब हमें टमाटरों को अच्छी तरीके से भून लेना है, इसे अच्छे तरीके से दबा ले ताकि ये पूरी तरीके से गल जाए और इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है उपमे में। ये देखिए हमारे टमाटर कितने अच्छी तरीके से भून चुके हैं और ठीक से पक चुके हैं। अब इसमें हम भुनी हुई अपनी सूजी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से टमाटरों के साथ मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो पहले बॉइल्ड वाटर भी डाल सकते हैं, उसके बाद आप सूजी इसमें डाल सकते हैं, पर मैं पहले सूजी डाल के उसे अच्छी तरीके से भून लेती हूँ। उसके बाद हमें सूजी को अच्छी तरीके से मसाले में मिला लेना है ताकि नमक सारा एक साथ मिल जाए, और इसके बाद बॉइल्ड वाटर हमें इसके अंदर डालना है। ये पानी डालते हुए आपको थोड़ी सावधानी लेनी होगी क्योंकि ये ऊपर उछल सकता है। सूजी और पानी के लिए मैंने 1 ही कटोरी का इस्तेमाल किया है। मैंने 1 कटोरी सूजी के साथ 3 कटोरी पानी लिया है और उसे अच्छे से बॉइल कर लिया है। पानी बॉइल करने से सूजी जो है खिली खिली बनेगी, इसी वजह से हमें इसमें तेल का प्रमाण थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है। देखिए अब ये बॉइल होना स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे सूजी सारा पानी अब्सॉर्ब कर लेगी और अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। अब ये देखिए पहले से ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर हमें इसे ढककर पकाना होगा। हम इसे अच्छे से मिक्स करके और फिर इसे ढक देंगे। हम इसे 2 से 3 मिनट ढक के पकाएंगे। हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बॉइल्ड वाटर डाला है, साथ ही हमने सूजी भी भून ली थी, तो इसे हमें बस 2 से 3 मिनट पकाना है। और ये देखिए हमारी सूजी बनके तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो इसमें धनिया डाल सकते हैं, मेरी फैमिली में कोई धनिया खाना पसंद नहीं करता तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। ये देखिए सूजी, जब स्टार्टिंग में हमने वाटर डाला था पूरा पानी पानी ऊपर था, अब ये पक के अच्छे से रेडी हो चुकी है। सर्व कर लेंगे, हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सूजी बनके तैयार हुई है। ये बहुत ही सिंपल झटपट बनने वाली रेसिपी है और साथ ही बहुत डिलीशियस होती है। आप इसको इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, ये देखने में ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है।
आप इसे जैसे मन करिए खाइए, स्वादिष्ट तो ये हर जगह से लगनी है। आप भी बनाकर देखिए, बहुत ही सिंपल झटपट बनने वाली बहुत ही इजी रेसिपी है। और कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट में बताइए, और हम लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरे इस नए सफ़र में वेज फूड डायरीज विद प्रिया में मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।